Miss Bhatnagar wasn't particularly fond of me. Teacher's Day memory. मैं जिस स्कूल में पढ़ता था कुरुक्षेत्र में हरियाणा में, वहाँ टीचर्स डे को हम लोग ऐसे मनाते थे कि स्टूडेंट्स टीचर बनते थे. टीचर्स डे की मेरे पास तो कोई मेमोरी नहीं है. हमारा एक गैंग हुआ करता था तो उनको लगता था मैं जासूसी अच्छी करता हूँ, तो जासूस तो नहीं बना लेकिन जासूस के करीब पहुँच के क्राइम रिपोर्टर बन गया. 5 सितंबर यानी टीचर्स डे, एक टीचर के लिए बहुत ही स्पेशल दिन, चाहे वो स्कूल टीचर हो, कॉलेज टीचर या फिर यूनिवर्सिटी टीचर. तो आइए जानते हैं टीवी के कुछ जाने माने एंकर से उनकी टीचर्स डे की कुछ मेमोरीज और साथ ही साथ कुछ कन्फेशंस. सर, आपका एक मेमोरी टीचर्स डे का? एक हमेशा लगता है जो मेमोरी हमेशा मैं कभी भूलूंगा नहीं, वो आज मैं जहां हूं शायद उसकी वजह भी वही है. जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो मैं अपने टीचर की जासूसी करता था. कभी क्लास में लेट आते थे या क्लास के बाद दूसरे क्लास में कितनी देर में पहुंच रहे हैं, तो हमारा एक गैंग हुआ करता था तो उनको लगता था मैं जासूसी अच्छी करता हूँ, तो मैं उनकी जासूसी करता था और नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन उनको उनकी रिपोर्ट भी दे देता था. तब वो टीचर हमेशा मुझसे कहते थे कि तू एक दिन जासूस बनेगा. तो जासूस तो नहीं बना लेकिन जासूस के करीब पहुंच के क्राइम रिपोर्टर बन गया. तो जब भी वो इंसिडेंट याद आता है तो हमेशा मुझे उनकी जासूसी याद आती है. और वो जासूसी जो है आज इतने सालों बाद अब वो चुके, कई बार उन लोगों ने मुझे टीवी पे देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. एक दिन उनसे बात भी हुई और तब उन्होंने मुझे ये याद दिलाई थी कि तुम कैसे बचपन में जासूसी करते थे. टीचर्स डे, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ यार. मैं तो 10th में गया था लास्ट, उसके बाद मैंने 5 साल कोई क्लास ही अटेंड नहीं की, 11th 12th और 3 साल ग्रेजुएशन के. तो 10th के बाद सीधा मैंने जो पहली क्लास अटेंड की थी वो की थी MA की. तो टीचर्स डे की मेरे पास तो कोई मेमोरी नहीं है. ये है कि टीचर आपके गुरु होते हैं. चूँकि मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे गुरु मेरे कोच थे. युवराज सिंह का नाम सुना आपने? उनके जो फादर थे युवराज सिंह वो मेरे कोच थे. तो अगर आप टीचर्स डे की बात करेंगे शायद उनको ही मैं नंबर वन टीचर अपना मानूंगा. सो वी हैड अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड बिकॉज आवर्स वाज अ कॉन्वेंट, इट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर एंड आवर लाइब्रेरियन मिस भटनागर, शी वांटेड एब्सोल्यूट डिसिप्लिन एंड शी हेटेड विद एनीवन स्टेप्ड इवन अ स्लाइटली आउट ऑफ द लाइन एंड हर पर्टिकुलर ऑब्सेशन वाज विद द लेंथ ऑफ आवर स्कर्ट. सो इफ समवन स्कर्ट वाज इवन slightly above the prescribed limit of 4 fingers above the knee, what she used to do is she used to open out her hem, and if your socks were any shorter than up till knee length, she used to make you take off your shoes and socks and you had to walk barefoot the whole day. So needless to say, Miss Bhatnagar wasn't particularly fond of me, and there were many times that she used to like scold us, and especially anyone who was even slightly naughty or outspoken, she was very strict with us. Teacher's Day memory. मैं जिस स्कूल में पढ़ता था कुरुक्षेत्र में हरियाणा में, वहाँ टीचर्स डे को हम लोग ऐसे मनाते थे कि स्टूडेंट्स टीचर बनते थे और टीचर्स पीछे बैठ के देखा करते थे कि ये कैसे पढ़ाते हैं. तो जब जब मैंने एडमिशन लिया था नया नया, तो मुझे हर बार इंतज़ार रहता था कि शायद इस साल ऐसा मौका आएगा कि मुझसे भी कहा जाएगा कि तुम पढ़ाओ. मेरे पापा मम्मी दोनों टीचर हैं, मेरी बहन भी टीचर है, तो मेरे घर में बड़ा एजुकेशनिस्ट वाला एटमॉस्फेयर था और पढ़ने लिखने और पढ़ाने का एटमॉस्फेयर था. तो ऐसी स्थिति में मैं जब इंतज़ार करता था, फाइनली एक मौका ऐसा आया जब मैं क्लास 8 या 9 में आ गया, तब मुझे ये मौका मिला कि मैं पढ़ाऊँगा. आप क्लास के मॉनिटर होते हैं, ये एक अलग स्थिति होती है. अच्छा, एक कन्फेशन किसी टीचर के लिए. जब मैं कॉलेज में आया तब मेरी इंग्लिश की टीचर थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और हालांकि बहुत उम्र में बड़ी थी और बहुत अच्छी भी थी. तो ये था कि हमेशा मैं उनसे कहता था कि काश आप मेरी उम्र की होती तो मैं आपसे शादी कर लेता. तो उनको एक दिन ये मुंह पे बोल भी दिया था मैंने, और तब वो थोड़ा गुस्सा, उन्होंने नाराज़गी दिखाई, लेकिन वो थोड़ा वो वैसे वाली गुस्सा नहीं था. लेकिन ये था कि हाँ, ये चीज़ भी मुझे लगता है कि एक बचपना था जब मैंने ये किया था. कन्फेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैं अपने टीचर्स को कन्वे ज़रूर करना चाहूँगा. सारे टीचर्स जितने भी मुझे पढ़ाते रहे गीता निकेतन स्कूल में, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, कि उनका साथ नहीं होता, उनका प्यार नहीं होता, उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो आज हम जो कर पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे होते. And I still remember when I was in school, she was very, very upset with me one time. I can't remember why. I think basically I was talking in the library or something like that, and she said that
that you know you are the kind of person who will become who will do nothing in life, and that you have no discipline and you will be a failure. And many years later, when I started working, I had gone to Lucknow. That's where I'm from. I had gone after a very long time. So just out of sheer nostalgia, I went back to my school, and I was just going through. So a lot has changed in Loreto, Lucknow, but some of the familiar areas was the staircase which went up to my class, which is right next to the stage where you know our performances took place. And that stage has a side entrance from where you can come out, and right next to the staircase, I thought I heard my name, and this was really late, so it must have been like about 10 years after I passed out. And so I thought most of my teachers would have retired. So anyway, so I went there, I heard someone calling my name. So I turned around, it was Miss Bhatnagar. And I am not ashamed to say that my first urge was to run away because I was really scared of her. And she was so sweet. She came to me and she said, you know, we watch you and we're so proud of you. And I keep telling my children about you. And which was also a little strange because 10 years ago, she told me I'd be a failure, but it was very sweet of her to have said what she did, and of course it was really touching as well. Yaar, wo daante bahut. Kaun daant? Mere coach Yograj Singh. Itna daante the, utna pyar bhi karte the. Wo meri fielding ko leke bahut mujhe daante the. Aur confession yehi hai Yog Paji. I'm sorry, मैंने उस टाइम पे मतलब आज से 25-30 साल पहले अपनी फील्डिंग पर इतना काम नहीं किया. बट एक बात है कि मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ. जैसे आप अपने हर टीचर को मिस करते हैं, आप अच्छा और बुरा अपने टीचर से सीखते हैं. मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे. तो आज हमने शेयर की कुछ टीचर्स डे की मेमोरीज और कन्फेशंस आपके साथ. अगर आपकी भी ऐसी कोई टीचर्स डे मेमोरी या कन्फेशन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए. दिस इज़ मी दिव्या चोपड़ा साइनिंग ऑफ विद करिश्मा जैन फॉर इंडिया टुडे एजुकेशन.